अंबरनाथ मोरीपाड़ा इलाके की घटना सामने आई, जहां 30 वर्षीय लक्ष्मी के पति नामक मुकेश कुमार जायसवाल ने पत्नी की आंख फोड़ दी। आपको बता दें कि पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। इस वारदात के बाद तत्काल लक्ष्मी को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर को उसकी एक आंख निकालनी पड़ गई। इस मामले में अंबरनाथ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग उठ रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की अपील की जा रही है। कांग्रेस युवती आफरीन शेख अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को किस तरह से अपनी आवाज उठाई है आपको सुनाते हैं। इसने मारा, तुम्हारे आदमी ने मारा, कैसे मारा? दारू पी के औरत दूसरी औरत के लिए डेली झगड़ा करता है, वही जब झगड़ा लगाती है, मेरे गांव की भाभी है वही झगड़ा लगाती है। 2 बजे रात को निकाल के हम लोगों को भगा दिया, मेरी माँ को, मेरे को, मेरे बच्चों लोग को। तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 3 लड़के हैं। 3 लड़की है? हाँ, और जिस औरत के रूम में सोए थे वो हमारे गांव की भाभी लगती है, उसी चढ़ाती पढ़ाती है, उसका ही बात सुन के झगड़ा करता है। ठीक है, मैं आफरीन शेख, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष। मेरी इस विक्टिम की मेरे पास कंप्लेंट आई थी, बहुत बुरी तरह से ये जख्मी हुई है। परसों के दिन इसका यहाँ पे ये एडमिट हुई है और आज इसका एडमिट होकर आज इसकी आँख निकालनी पड़ी है। इसकी, ये अंबरनाथ की रहने वाली है, इसकी उम्र है 32 साल, इसके तीन चार बच्चे हैं। डेली झगड़ा करता है। आपने मुझे परसों इन्फॉर्म किया था मैडम, उस पर FIR होनी चाहिए। होनी चाहिए, तीनों पे होना चाहिए। तीनों पे किस पे होनी चाहिए? मेरी भाभी जिसका बात सुन के झगड़ा करता है, जिसके लिए मेरे को घर से निकाला, उसके लिए, उसका नाम सरिता है। अभी तुम्हारी आँख ऑपरेशन करके आज ही निकाल दिया गया है। पूरी तरह से आँख डैमेज हो गई है, इसीलिए आप निकाल दिया। मैं आफरीन शेख, महाराष्ट्र प्रदेश की युवा कांग्रेस की पदाधिकारी। मुझे परसों कंप्लेंट आई थी इस विक्टिम की, इसका नाम लक्ष्मी है, उम्र है 35। मैं इंसाफ करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। मुझे MNC की रिपोर्ट चाहिए थी कि ताकि इस बंदी ने जो ज़िंदगी भर ये अपाहिज हो चुकी है, क्योंकि एक गलती उसके हस्बैंड का शराब पी के उसका मारना, इसकी आंखें जा चुकी है, इसकी वजह से ऑपरेट करके इसकी आंखें निकाल दिया गया। मैं उन कमीने नीच आदमियों से अपील करती हूँ जो औरतों को इस तरीके से हिंसा में पीड़ित कर देते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती है। आज ये लड़की, औरत आज यहाँ पर पहुँची है, आज इसने अपनी आँख खो चुकी है। अब वो एक आँख से देख सकती है, एक आँख इसकी नहीं है। इसके 3 बच्चे हैं और इसकी फैमिली मेंबर वहाँ पे, उसका भाई है। मैं इसके भाई का भी स्टेटमेंट लूँगी और जिस तरीके से इसकी आँख फोड़ी गई है, मैं अंबरनाथ की रहवासी है, इसके भाई ने, इन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था मुझे, इसीलिए मैं आज कलवा शिवाजी हॉस्पिटल विजिट की हूँ। आज जस्ट अभी 15 मिनट पहले ये ऑपरेट होकर बाहर निकली है। इसकी आँख हमेशा के लिए जा चुकी है, अभी शायद कभी ना देख सके, एक आँख से देखे। उस दरिंदे को मुझे FIR के हथकड़ी पहुँचाना है जिसने इसकी आँख ज़िंदगी भर के लिए छीना है। वो दारू पी के हर रोज़ इसके मारता था, बट इसने इस बार इसे ऐसा मारा है जिसकी वजह से इसकी आँख जा चुकी है, कम्प्लीटली इसने अपनी आँख खो चुकी है। इसके भाई से भी कुछ अल्फाज इसका सुनिएगा। मैं लक्ष्मी का भाई, इसका पेशन, मेरी बहन को दारू पी के मारता है। मैं साथ में था, मैं छुड़ा रहा था, मेरे भी हाथ में काटता है, मारता है, हमेशा तरसाता है उसको। मैं बस आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरी बहन को इंसाफ दिलाएं।